डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने दो दिवसीय वाराणसी दौरे के दूसरे दिन काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। इस अवसर पर केशव मौर्य काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। वहीं इस दौरान केशव मौर्य के निशाने पर विपक्षी दलों के नेता भी रहे। केशव ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन हैं। राहुल ने एक तरफ से राफेल का झूठ डाला और दूसरी तरफ से उनके जीजा निकल गए। राहुल गांधी जी झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन और राहुल गांधी जी के कांग्रेस के झूठ को अच्छी तरीके से जानता है। देश का बच्चा बच्चा मानता भी है, जानता भी कि काशी के यशस्वी सांसद और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और संसार के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में जिनको पूरी दुनिया मानती है, उनके ऊपर जनता का विश्वास है। और सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार करना, घोटाले करना, बेईमानी करना यह कांग्रेस का इतिहास रहा है, इसलिए जनता उन्हें इतिहास के पन्नों में दर्ज करने का काम करने जा रही है। मोदी गांधी जी के बारे में इतना कहूंगा कि पहले एक मशीन वो लेकर के आ रहे थे, एक तरफ से आलू डालिए दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, और फिर बीच में झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन ऐसी लाए कि एक तरफ से राफेल का झूठ डालेंगे दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री कुर्सी निकलेगी और वह कुर्सी की जगह उनके जीजा निकल। वही राम मंदिर निर्माण पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद मंदिर की बात करता आया है और बीजेपी हमेशा से ही राम मंदिर निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व हिंदू परिषद तो सदैव से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन करने का काम किया है और अगर हिंदू समाज का एकत्रीकरण, राम भक्तों का एकत्रीकरण विश्व हिंदू परिषद कर रहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। चंपत राय जी ने नई अध्यादेश की मांग कर रहे हैं, सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो आगे की रणनीति क्या? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये अधिकार है कि वो कब सुने कब ना सुने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए प्रतिबद्ध थी, प्रतिबद्ध है, प्रतिबद्ध रहेगी। शीतकालीन सत्र सर नवंबर में है और क्या लग रहा है प्राइवेट या प्राइवेट बिल जाएगा जिस तरीके की राकेश सिन्हा जी ने बात उठाई थी? उन्होंने तो अपना एक निजी प्राइवेट मेंबर बिल लाने की बात कही है और जो विरोध करने वाले रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का लगातार विरोध करने वाले हैं उन लोगों का असली चेहरा उजागर होगा। वो कहते हैं कि मंदिर भव्य बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब मैं कहता हूं कि तारीख तो राहुल गांधी जी बताएंगे और जो राम मंदिर निर्माण के विरोधी हैं उनको ही तारीख बताना है। भारतीय जनता पार्टी श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण की पक्षधर थी, है और रहेगी। और एक बात मैं ज़रूर बाबा विश्वनाथ जी के दरबार से कहना चाहता हूँ कि अब रामलला की जन्मभूमि पर बाबर के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी जाएगी, नहीं रखने दी जाएगी। वहीं इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में बीजेपी की जीत का भी दावा किया। वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट।